Assalamualaikum, hey guys, welcome back to our channel. उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ अच्छे से है और अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप, मत बोलना इसको, मेकअप करके रखी हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोली गर्ल्स मेकअप जब करती है तो लोगों को अंदर से अच्छा लगता है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने सोची थोड़ा सा मेकअप करती हूँ, थोड़ा सा ईयरिंग्स वगैरह कुछ पहनेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। कोई भी हो, जब कुछ अच्छे से तैयार होता है ना तो अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है। लेकिन हाँ, मुझे अभी आ रही है, लेकिन अभी मैं जो बनाने वाली हूँ ना उससे मुझे नहीं आने वाली है शायद से। दिस प्लेट, ये सलाद नहीं है एक्चुअली, मेरी रिपोर्ट आ गई थी तो उसमें प्लेटलेट्स और WBC कम आया था, तो लोग और HB भी कम आया था, हीमोग्लोबिन जो होता है खून बढ़ाने का इलाज है ये। इसलिए ऐसा मैं पहले ही बोल रही हूँ, खाने पीने पे अच्छे से ध्यान दो कि ये सब करने की नौबत ही ना आए। तो अभी मैंने ना गाजर, बीट रूट, पुदीना और थोड़ी सी अदरक और पुदीना इसलिए डाल रहे ना क्योंकि अगर किसी को टेस्ट नहीं पसंद आया तो क्या वो उससे बैलेंस हो जाएगा। एंड लॉट्स ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, लॉट्स ऑफ बेबी स्पिनच, जो पालक के पत्ते होते हैं ना वो। अगर आप लोगों को कच्चे पालक नहीं पसंद है ना तो ब्लांच करके भी डाल सकते हैं। पर्सनली मुझे कच्चे पालक अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ले रही हूँ कच्चे, लेकिन इसको ना अच्छे से धोने का। और एज यूजुअल हमारी चटनी बन रही है, चाय बन चुकी है हमारी, ठीक है। ये वाला जो जूस है ना, इसको आप अगर निहार पेट पियोगे ना तो दिल पर पत्थर रख के पीना पड़ेगा क्योंकि सुबह आपकी एकदम वो होने वाली है खराब, क्योंकि नहीं अच्छा लगता ये। तो सुबह कौन पीता है कड़क चाय पीने की, जिसको आदत है उसको बोलोगे तुम लोग ये जूस पियो तो कैसा चलेगा बताओ। फुल एकदम वो वाला रेडी हो गया। इसमें चाहे तो नींबू जो भी डालना है डाल सकते। बन गया। इसको ना बहुत से लोग स्ट्रेन करते हैं, पर्सनली मुझे स्ट्रेन करके पीना नहीं पसंद है। मतलब अगर आप लोगों को स्ट्रेन करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बिना स्ट्रेन के ऐसे ही पी लेती हूँ। और एक बात, ये पियेंगे ना बट टोकम टाकी का बड़ा वो रखना, क्योंकि ये बाहर कभी मत पीना, घर में बना के पीना, क्योंकि बाहर लोग देखते हैं टोक लग जाती है, क्योंकि ये एकदम कलर ही वैसा है ना, आप कभी नहीं पी पाओगे। पहले ये एकदम कुछ ऐसा मस्त वाला जूस तो है नहीं जो हम लोगों को पीने अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वैसा जूस है तो इसको ना सबके सामने मत पीना, थोड़ा अकेले में। ऐसा बोलते मम्मी लोग के टोक वोक जल्दी लग जाती है ऐसे सारे चीज़ों को, ठीक है। तो घर में क्या कोई भी नहीं, घर में पी सकते आप लोग आराम से बेफिक्र होके। चलो अभी ये जूस को और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पी के मिलती हूँ। चाहो तो ना थोड़ा सा एकदम जर्रा सा नाम बराबर ब्लैक सॉल्ट होता है ना वो ऐड कर सकते हो। देखो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम वो है, जूस वाली कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी। नहीं अच्छा जरा भी नहीं अच्छा है, लेकिन नाक बंद करके जैसा पीना है वैसा पी जाओ। ऐसी सारी चीज़ें खाने पीने के बाद अपने बाजू में ना कोई ऐसी चीज़ें रखो जिससे आपका मुंह नॉर्मल हो सके। तो ये स्ट्रॉबेरी थी जिसको मैंने रखी, आप चाहे तो नमक, शक्कर, गुड़ कुछ भी रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर खा लेंगे तो उसका असर मर जाएगा। नहीं मरेगा भाई, कुछ नहीं होएगा, हम लोग को कुछ ना हो जाए अगर हम लोग वो ना खाएंगे तो। ऐसा मम्मी लोग बोलते थे ना कि कुछ फ़ायदा नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं पीना चाहिए, सब मिथ है। मैं पढ़ी हूँ कुछ भी नहीं होता है, जो आपको अच्छा लगता है वो खाओ पियो अच्छे से रहो। मम्मा और ये बन गई है हमारी सलाद भुर्जी, एक तरह मम्मी की फुली फुली सी रोटी माशाल्लाह, और चाय। हमारा नाश्ता एकदम वैसा वाला नाश्ता है, मस्त एकदम जो इंडियन नाश्ता होता है ना वैसा नाश्ता है। किस किस को तवा भुर्जी सुबह में पसंद है वो कमेंट सेक्शन में यस करना, ठीक है। भुर्जी सही में भुर्जी ही लग रही है। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कर रहा हूं। कैसा कर रहे हो? ऐसा। तुम चाय बना रहे हो? हाँ।
और सुबह से हमारी शाम हो गई सीधा, और ये उठ गया सो के, क्योंकि हम लोग ये थोड़ा सा बिजी हो गए थे, थोड़ा काम था। तो बाप रे कितनी मस्त धूप आ रही है यार, माशाल्लाह। देखो क्या तू अंगूर, ये अभी स्ट्रॉबेरी खाया, ये अभी चॉकलेट खाया, ये अभी प्लम खाया, और अभी इसको अंगूर चाहिए। एक साथ इतना खट्टा खाएगा ना बेबी, खाए खाए खाफेगा मुझे सिले। अभी तुम चाय ब्रेड खाना, फिर हम लोग दोनों जाएंगे घूमो घूमो करने। प्लीज हम लोग दोनों बहुत अच्छे आ रहे ये वाले व्यू में, है ना। वैसे आप लोगों का लंच क्या था? हमारे उधर तो मम्मी ने चिकन का सालन बनाए थे, और चिकन आलू का सालन, चावल और रोटी थी, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बिजी हो गए थे, जैसे कि मैंने बोली थी। अभी सब चीज़ हो गया, एक पावर नैप भी लेके उठ गए, और चाय बनाने की तैयारी हो रही क्योंकि ये उठ गया। तो हम लोग बोले साथ में अभी चाय रख देते, चाय पियेंगे मस्त में, नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे ऑफिस, फिर देखते हमारा शाम में कार्यक्रम कैसा आगे बढ़ेगा। ठीक है बाबा, ये यहाँ कोई बैठता है क्या? चलो नीचे उतरो बेटा, नीचे उतरो। ये है एक कुकर, कुकर में नानी ने बनाया है सालन। चलो ब्राउन कलर का सालन बनाए, दिखाओ। बाप रे, ठीक है मैं बताती हूँ। ये लड़का ना, ये लड़का हाउस बना रहा हूँ, हाउस मैं हाउस बना रहा हूँ। इन लोग स्कूल में ना अल्लाह ही जाने, बच्चों का तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे ना पेरेंट्स की क्लास लग जाती है। कोई बात नहीं, इससे हम लोगों को भी अच्छा लगता है, ठीक है। वो प्ले ग्रुप में पढ़ाई लिखाई से लोगों को कुछ है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बाल इतने बिखरे हुए इसलिए क्योंकि अभी हम लोग मार्केट से आए, और ये सारा तामझाम लेकर आए, ये पेपर्स। अच्छा आप लोग गेस करो हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन कलर है इम्पोर्टेंट, रेड कलर है इम्पोर्टेंट, छोड़ दो बेटा ये। और ये बॉल्स है, और ये चमकी है, और क्या है, रेड और गोल्डन और वाइट, ये हमारा थीम है। अगर आप लोग ने गेस कर लिया ना, मैं सही। अच्छा ये बता दूंगी तो एकदम, अब बताओ क्या बनने वाला है बच्चा हमारा, क्या बनने वाले है रयान, तुम क्या बनने वाले हो? ओ वाह बच्चा, ओ यस यस, ये बनने वाला है सांता क्लॉज की क्रिसमस ट्री बनने वाला है क्योंकि हाँ क्रिसमस ट्री बनने वाला है। तो ये कार्डबोर्ड से हम लोग बनाएंगे, DIY करने वाले थोड़ा बहुत, ठीक है। तो प्रोसेस हमारा चालू है, जैसे जैसे होते जाएगा हम लोग बनाते जाएंगे, क्योंकि फिलहाल अभी हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट इस पे करना, फोकस हमारा ये है बनाने पे है, ना कि वीडियो बनाने पे, ठीक है। क्या हुआ मम्मी? मम्मी समझ नहीं पा रहे क्या बना रहे तुम लोग ऐसा। तो ये यहाँ पे हमारी बता, चलो हमारे पास दूसरी साइड भी है। ओ यहाँ पे रयान की चीखो क्या आवाज आ रही है। या मम्मी ने हम लोगों को आइडिया दिए, कर करके सीखते। पहली बात तो ये हमारा काम है ही नहीं, टीचर लोगों को बोलना चाहिए। चलो ये दिख रहा नहीं, एक्चुअली लाइट है, और बच्चे का मेजरमेंट चालू है, कपड़ों के साथ हम लोग फुट्टे का मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। बहुत दिमागों से बन रहा है ये क्रिसमस ट्री, बहुत दिमाग लग रहा है। और हम लोग ने ना देखो ना इतने प्यारे प्यारे ये सॉक्स भी लेकर आए, वो रुखाने जा रहा है, सॉक्स भी लटकाते थे। अच्छा स्कूल में याद है ड्राइंग करने के टाइम पे बोलते थे अपने मर्जी से जो तुमको ड्रॉ करना है कर लो, तो कौन कौन था जो एक टिपिकल सीनरी बनाता था, और कौन कौन था जो क्रिसमस ट्री बनाता था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो वही बनाती थी, एक समुंदर, एक घर, एक लड़की, एक पहाड़, बस उतना ही, और एक सूरज और चिड़िया। नहीं नहीं पहले तू सार्गन डाल, देखो तो क्या मालूम कहाँ गई। देखो एक चॉकलेट तो खुल भी गई है, लेकिन चॉकलेट का है बाहर का है, चॉकलेट बाहर। तड़ा बन गया माशाल्लाह हमारा क्रिसमस ट्री, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन हमारे सारे औजार थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है, इसको हम लोग चमकी से वो करेंगे। ए वेर इज चमकी, चमकी का है चमकी, ग्लिटर, ग्लिटर बोलो ना प्लीज, हम लोग इसको चमकी कह रहे हैं, रुक जाओ।
देखो 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 यार, ये चलेगा, ये है, लेकिन ये पूरा नहीं है, वो नहीं होएगा, इतने में नहीं हो पाएगा ना, ये हो जाएगा, नहीं लास्ट वाला ग्रीन रहेगा ना, खाली नीचे डंडी ना, ये इतना ही रहेगा, हो जाएगा, देखो लग रहा है ना एकदम स्पार्कलिंग, और सुन ना, अच्छा तो लग रहा है वैसे, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फाइनली हो गया हमारे बच्चों का क्रिसमस ट्री बन के रेडी हो गया, बहुत अच्छा लगता है ऐसे सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। वैसे आप लोगों के बच्चे अगर स्कूल में है तो उन लोगों को क्या एक्टिविटी मिली है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। फिलहाल तो ये रयान का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है और क्रिसमस पार्टी थी, तो ये थीम था उन लोगों का, तो स्नोमैन वगैरह क्रिसमस ट्री वगैरह बन के जाना था, तो हम लोगों ने क्रिसमस ट्री चूज़ किए, तो हो गया फाइनली आउटपुट, बहुत अच्छा लगा। मेरा बच्चा कल इंशाल्लाह सुबह पहनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक चीज़ का मुझे अभी डर लग रहा है कि हम लोगों ने ना चमकी छिनक दी है, अब उसके आँख में ना चले जाए, बस मुझे इसी चीज़ का डर है, बाकी और कुछ किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि हाथ वाथ में लगेगी तो हम लोग पोछ लेंगे, लेकिन आँख में नहीं जानी चाहिए, थोड़ा डेंजरस हो जाएगा, ये मैं अब भी सोच रही थी बैठे बैठे, ठीक है। और आज का दिन बहुत अच्छा था, आप लोगों का दिन कैसा था वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो में इतना कुछ खास नहीं था मुझे मालूम है, फिर भी अगर प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ एक लाइक करने में क्या जाता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और अब हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आप लोगों को हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट, रात हो चुकी है इसलिए मैंने गुड नाइट बोली, ठीक है।